सिंचन और चौप इस वाले बंदे के साथ तो कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी है। पूरे का पूरा चैलेंज इसने ऑर्गेनाइज किया लगता है। अरे हानिया हमिद ये लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट का बेटा है। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल चैलेंज हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं यार गाइस, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट यहाँ पे मोटरबाइक्स दो खड़ी है, तुमने इन दोनों में से कोई एक मोटरबाइक को चूज करना है और फिर इस वाले रैंप को क्लियर करना है। पूरा का पूरा रैंप मैंने मोटरबाइक से क्लियर करना है। नहीं नहीं, तुम्हें आगे जाके गाड़ी भी मिलेगी और फिर उसके बाद बोट भी मिलेगी। अच्छा चलो ठीक है, प्रेसिडेंट का बेटा यार गाइस, चैलेंज ऑर्गेनाइज किया है इन लोगों ने। लेकिन ये वाला चैलेंज दिखने में काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। और एक मिनट, वुडन लॉग्स तो गए नीचे, इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीजें नीचे गिरेंगी। बट मुझे अभी इस वाली मोटर बाइक को कंट्रोल करना है। साइज में ये काफी ज्यादा बड़ी है, ये डर्ट बाइक है, इसको चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ये वुडन लॉग भी गया नीचे। अभी तक तो ये वाला चैलेंज मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अभी पता नहीं मेरी मोटर बाइक कंट्रोल होगी या फिर नहीं। धीरे धीरे मैं इसको आगे की तरफ तो लेके जा रहा हूँ। बट यार गाइस, मेरी मोटर बाइक का साइज काफी ज्यादा बड़ा है ना, इसलिए मुझे साइड पे पांव रख के आगे जाना होगा। मगर अभी तक मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। इतना मुश्किल रास्ता आपसे कभी भी क्लियर नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ कि गिव अप करो यार। ऐसे कैसे गिव अप करूं चौप, इतने दिनों के बाद इतना अच्छा चैलेंज मुझे मिला है यार गाइस, इसको क्लियर करके काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और आप लोगों ने भी अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाके यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर उसके बाद बेल वाले नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग डेली खतरनाक चैलेंजेस को क्लियर करते हैं। बट अभी सामने की तरफ जंप है, क्यों डर गए ना जंप को देख के? हां जंप तो मुझे दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है और ये रास्ता भी टेढ़ा है। अब इस टेढ़े रास्ते से जंप लगाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूँ कि मोटरबाइक को पीछे से भगा के लेकर आता हूँ। एक तो ये वाली मोटरबाइक साइज में इतनी ज्यादा बड़ी है, सोच रहा हूँ कि छोटी वाली मोटरबाइक लेकर आ जाऊं। अगर तुम मोटरबाइक को चेंज करना चाहती हो तो तुम यहाँ से वापस आ सकते हो। वापस तो नहीं नहीं नहीं, वापस मैं नहीं आने वाला हूँ यार गाइस, इसी वाली मोटरबाइक से हम लोग जंप लगाएंगे। लेट्स गो। काफी ज्यादा बड़ी है साइज में और लगता है कि गया नीचे। तुम सबको नीचे गिरता हुआ देख के मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। सिंचन ये बंदा बोल रहा है कि इसको हम लोग को नीचे गिरते हुए देख के मजा आता है, इसलिए तूने नीचे नहीं गिरना। मोटरबाइक सिंचन ने छोटी वाली चूज की है। और इस वाली मोटरबाइक की खास बात यह है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। और एक मिनट, सिंचन ने कर लिया था बट ये भी गया। तुम लोग का तो मोटरबाइक के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। हमिद भाई ये प्रेसिडेंट का बेटा बहुत ज्यादा जबान चला रहा है, इसको बोलो कि एक मिनट चुप हो जाए यार। नहीं चौप, इसको हम लोग इस तरह चुप नहीं करा सकते हैं, तुझे चैलेंज को क्लियर करना होगा। ये वाला रास्ता तो हम सब लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो सामने की तरफ जंप है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस वाली जंप को लगाने के लिए हम लोग को हमारा एंगल बिल्कुल ठीक करना होगा। लगता है कि चौप ने कर लिया। किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है इसकी यार गाइस, चौप ने बहुत ज्यादा ओपी तरीके से क्लियर किया। और एक मिनट, एक वुडन लॉग गया नीचे की तरफ। एक काम करके चौप, इसको भी नीचे फेंक दे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो ये वाला चैलेंज खेल के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सारी की सारी चीजें नीचे फेंकूंगा यार, खुद भी जा नीचे चौप। इतनी गंदी किस्मत मेरी कैसे हो सकती है यार? तेरी गलती नहीं है चौप, तुझे किसने बोला था कि सारी की सारी चीजों को नीचे फेंक? लेकिन यार हमिद चौप तो बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया है। हां सिंचन, ये सबसे ज्यादा खतरनाक जंप चौप ने लगा लिया, तो फिर इसका मतलब ये कि जंप मैं भी लगा सकता हूं। मुझे बस थोड़ा सा यहां से अपनी मोटरबाइक को कंट्रोल करना है और फिर उसके बाद हम लोग का एंगल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये वाली जंप तभी लगेगी जब हम लोग का एंगल ठीक होगा। आई होप के यार गाइस मुझसे भी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर यार हमें दे आप, हम लोग क्या करेंगे? सिंचन हम लोग यहाँ पे चैलेंज को क्लियर करने के लिए आए, तो फिर हम लोग यहाँ पे चैलेंज को क्लियर करेंगे। लेकिन एंगल मेरा ठीक नहीं था, जंप मैंने बहुत ज्यादा अच्छी लगाई थी। सिंचन की मोटरबाइक की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और ये बच गया। काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है सिंचन ने, रास्ता क्लियर कर लिया है और अभी आगे पहुंच गया। सिंचन सामने की तरफ देख क्या चीज है। अरे यार हमें दे सामने की तरफ तो इतने ज्यादा पेड़ है, मुझे तो लगता है कि सिंचन ये ट्रैक काफी ज्यादा खतरनाक है। और सिंचन ने कर लिया यार गाइस, रास्ता कितना ज्यादा डिफरेंट है, दिखने में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लगता है कि आगे और भी ज्यादा चीजें आएंगी, लेकिन नहीं भाई साहब, सिंचन इतनी स्पीड से जाएगा तो कभी भी क्लियर नहीं होगा। एक काम करके मोटरबाइक को पहले थोड़ा सा पीछे लेके जा। और हाँ ये जगह ठीक है, अभी तुझे यहाँ से स्पीड से जाना होगा। तो फिर यार हमिद मैं अपनी पुरानी वाली टेक्निक को यूज करके यहाँ से बर्न आउट निकालूंगा। बर्न आउट निकालने वाली ऑप्शन भी अच्छी है सिंचन, लेकिन रास्ता उससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखते हैं कि सिंचन, नहीं भाई साहब सिंचन से तो हुआ ही नहीं। तो फिर यार हमिद अब मैं क्या करूंगा? एक टेक्निक है मेरे पास सिंचन, और वो टेक्निक ये है कि तू व्हीली उठा के जा। सिंचन चाहे व्हीली उठाए या फिर जो कुछ भी कर ले, ये वाला रास्ता इस वाली मोटर बाइक के लिए बना ही नहीं है यार। मुझे भी अभी ऐसा ही लगता है सिंचन, तुझे डर्ट बाइक चाहिए होगी। लेकिन यार हमिद भैया डर्ट बाइक तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। हाँ बड़ी तो होती है सिंचन, लेकिन रास्ता भी तो देखना कितना ज्यादा बड़ा है। ये वाला रास्ता ये वाली मोटर बाइक कभी नहीं कर पाएगी, तुझे डर्ट बाइक चाहिए होगी। और नहीं भाई साहब इससे नहीं होगा। वैसे काफी ज्यादा आगे पहुंच
पहुंच गए हो सिंचन, तुम थोड़ा सा ट्राई करो, हो सकता है कि ऊपर निकल जाओ। कभी भी नहीं निकल सकता यार गाइस, इस वाली मोटर बाइक के अंदर पावर ही नहीं है, तो फिर सिंचन इसको कैसे लेके जाएगा आगे की तरफ। मैं तो बोलता हूँ कि छोड़ दे सिंचन, मुश्किल लग रहा है। मैं भी सिंचन यही बोलता हूँ कि छोड़ दो यार। अब क्या घंटा छोड़ेगा चौप, ये बेचारा नीचे गिर गया है। अरे यार हमें तो चौप भी बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया है। हाँ सिंचन दिख रहा है मुझे, चौप भी काफी ज्यादा आगे पहुंच गया है यार गाइस। मुझे अभी पीछे वाली जंप भी लगानी है, लेकिन चौप की मोटर बाइक का एंगल अच्छा, मेरे ख्याल से अभी ये एंगल ठीक करेगा। सारे के सारे एंगल ठीक करके इतनी ओपी जंप लगाऊंगा ना कि आपको देख के मजा आ जाएगा यार। मुझे अभी देख के क्या ही मजा आएगा, चौप में काफी ज्यादा पीछे रह गया हूँ। अभी पता नहीं ये बड़ी वाली जंप मैं लगा पाऊंगा भी या फिर नहीं, लेकिन चौप रास्ता बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि तुझसे नहीं होगा। ऐसे कैसे मुझसे नहीं होगा, ये वाली मोटर बाइक बहुत ओपी है यार। मोटर बाइक तो ओपी है लेकिन रास्ता बहुत छोटा है, लेकिन देखते हैं कि चौप जंप लगा पाता है या फिर नहीं। भाई साहब जंप इसने लगा ली है और काफी ज्यादा स्पीड से जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे गया नीचे। इतना ज्यादा अच्छा खेल रहा था, पता नहीं एकदम से क्या हो गया यार, कंट्रोल नहीं है ना चौप। मोटर बाइक को कंट्रोल करेगा तभी जीतेगा, और लगता है कि मुझे अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यार हमें तो मुझे लगता है कि आप दोबारा से नीचे गिर जाओगे। नहीं सिंचन, अभी बार बार तो मैं नीचे नहीं गिरने वाला हूँ, क्योंकि टेक्निक मैं समझ गया हूँ। अभी बस तुम लोग देखते जाओ, जो रास्ता तुम लोग से क्लियर नहीं हो रहा ना, वो रास्ता मैं तुम लोग को क्लियर करके दिखाऊंगा। इतना ज्यादा खतरनाक रास्ता है, मुझे पता है कि आपसे भी क्लियर नहीं होगा यार। तू बस देखता जा के चौप, अभी मैं यहाँ पे करता क्या हूँ। ये डर्ट बाइक है ना, मैं इसको चलाना अच्छे से जानता हूँ, और अभी तो तुम बस देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ यार गाइस। मोटर बाइक हम लोग की काफी ज्यादा ओपी है और यहाँ पर आके रुक गई। मैं समझ गया हूँ कि इसको ऊपर किस तरह लेके जाना है। थोड़ा सा हम लोग इसको पीछे लेके जाएंगे और बस इतना डिस्टेंस काफी है। इस वाले रास्ते को क्लियर करने की टेक्निक कौन सी है मुझे भी बताओ यार। पहले मुझे खुद क्लियर करने दे चौप, उसके बाद में तुझे भी बताऊंगा। और टेक्निक ये है कि हम लोगों ने व्हीली करके जाना होता है, लेकिन लगता है कि नहीं हुआ। अबे यार गाइस मैं वापस से उसी जगह पर आ गया हूँ, तो फिर ये किस तरह होगा। लगता है कि ज्यादा स्पीड पकड़ने की जरूरत नहीं है, इतनी स्पीड काफी रहेगी और मैं गया पानी के अंदर। लेकिन यार हमें तो आप तो हम लोग को टेक्निक बता रहे थे, आपसे तो खुद भी नहीं हुआ। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि सिंचन ये रास्ता मुझसे क्लियर क्यों नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं कि तू क्या करता है। नहीं 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 ऐसे तो कभी भी नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा मुझे भी बताओ यार। अभी तक तो मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा, तो फिर चौप में तुझे किस तरह बताऊंगा। लेकिन हाँ फोकस करेगा तो फिर हो सकता है। रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल है और ये बच गया, मुझे लगा था कि नीचे जाएगा, बल्कि यार गाइस ये तो गया नीचे। मुझे तो लगता है कि तुम लोग के पास ज्यादा टेक्निक्स है ही नहीं। टेक्निक्स है हम लोग के पास, लेकिन रास्ता तुमने मुश्किल बना दिया है। एक काम करता हूँ ना कि यहाँ से ऊपर जाता हूँ, बल्कि नहीं यार गाइस इतनी स्पीड से तो कभी भी क्लियर नहीं होगा। मुझे मोटर बाइक को कंट्रोल करना है, और अभी सोच रहा हूँ कि बैक फ्लिप मारूं। सारे के सारे फ्लिपे मार के देख लो, लेकिन ये रास्ता फिर भी नहीं होगा यार। ये तो मैं सोच रहा हूँ चौप, ये रास्ता काफी ज्यादा अजीब सा बना के रखा है इसने। मोटर बाइक के अंदर टर्बो क्यों नहीं है? अभी टर्बो नहीं है तो फिर इसका मतलब ये कि नहीं है टर्बो। चलो ठीक है, ये ज्यादा बोल रहा है मेरे साथ यार गाइस, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। रास्ता इतना भी मुश्किल नहीं है, हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। और हो गया यार गाइस, ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे मैं नीचे गिर गया हूँ, और अभी चोट भी काफी ज्यादा लग गई है, मेरी मोटर बाइक ऊपर ही फंसी हुई है। तो फिर यार हमें दे आप क्या करोगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरी मोटर बाइक ऊपर रह गई है और मैं नीचे आ गया हूँ। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बल्कि एक मिनट यार गाइस, मैं धीरे धीरे ऊपर जा सकता हूँ और सीधा जा रहा हूँ पानी के अंदर। चोट तो यार गाइस मुझे काफी ज्यादा लगने वाली है। तो फिर यार हमें दे आप हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे सिंचन, वो देख ऊपर की तरफ मेरी मोटर बाइक है। एक तो आपने इतनी गलत जगह पे मोटर बाइक खड़ी की है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं यार। चौप मेरी मोटर बाइक का फायदा तुम लोग उठा सकते हो। ऐसे कैसे फायदा उठा सकते हैं, बीच में आपने मोटर बाइक खड़ी कर दी है यार। मोटर बाइक तो मैंने खड़ी कर दी है, लेकिन अभी देखते हैं कि सिंचन क्या करता है यार गाइस। काफी ज्यादा स्पीड से जा रहा है और मेरे ख्याल से नहीं, इतना आसान नहीं है यार गाइस, कोई ना कोई टेक्निक चाहिए हम लोग को। लगता है कि मुझे तुम लोग की हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ तुम ही बताओ कि ये किस तरह होगा। इस वाले चैलेंज को क्लियर करने के लिए तुम लोग को अपनी मोटर बाइक को आगे से नीचे करना होगा। मोटर बाइक को आगे से नीचे करना होगा, ये कैसी टेक्निक है? मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये बंदा चीटर है यार। अभी तो मुझे भी ऐसा ही लगता है चौप, के ये बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीटर है यार गाइस। नहीं तो सारे के सारे रास्ते हम लोग से क्लियर हो जाते हैं, तो फिर ये वाला रास्ता हम लोग से क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? सोचो सोचो, आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा यार। सोच लिया है चौप, एक प्लान है मेरे पास और प्लान काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन अभी कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम लोग को यही करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा प्लान है आपके पास यार? एक मिनट रुक जा चौप, पहले ये क्लियर हो जाए ना मुझसे, उसके बाद तुझे बताता हूँ कि मेरे पास कौन सा प्लान है। अभी तक तो मोटर बाइक सही से कंट्रोल नहीं हो रही है, लेकिन किस्मत अच्छी है कि मैं बच गया हूँ और प्लान मेरे पास है यार गाइस। प्लान मैंने बना के रखा है, रास्ता तो मैं इसको क्लियर करके दिखाऊंगा। काफी ज्यादा स्टीप है, बट अभी ये हो जाएगा, लगता है कि हो गया फाइनली यार गाइस, मैंने तो क्लियर कर लिया है। लेकिन हम लोग किस तरह क्लियर करेंगे यार? अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे ना, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये रास्ता तुम लोग से कभी भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यार गाइस मेरे पास तो टेक्निक थी और मेरी मोटर बाइक नीचे जाने वाली थी। अब अगर मैं इतना आगे पहुंच गया हूं ना, तो फिर यार गाइस मैं हारूंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं अभी सीधा एंड पे जाके ब्रेक मारूं। वैसे इतना आसान नहीं है मेरा चैलेंज, वो तो मैंने देख ही लिया है, तुम्हारा चैलेंज वाकई में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और ये वाली मोटर बाइक भी
सही से कंट्रोल नहीं हो रही है, थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाएंगे। एक मिनट, साइज में काफी ज्यादा बड़ी है ना, और सामने की तरफ जंप भी है। लेट्स गो यार गाइस, जंप मैंने लगा ली। अब अगर जंप लगा लिए तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं जीत जाऊंगा। मगर ये क्या चीज है, यहाँ पर तो एक और बड़ा सा पेड़ है और उसके ऊपर छोटे पेड़ है जो कि गिर नहीं रहे। देखिए ना, हमें तो ये पीछे वाला पेड़ तो टेढ़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि ये गिरेगा। अबे एक मिनट, मुझे लगता है कि ये मुझे भी गिरा देगा। अभी हम लोग किसी भी चीज के साथ कोई भी पंगा नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा आगे पहुंच गया हूं ना, अभी मुझे रिस्क नहीं चाहिए। हाँ यार गाइस, जरा सा भी अगर हम लोगों ने रिस्क उठाया तो फिर उसके बाद में नीचे जाऊंगा। रास्ता बहुत ज्यादा टेक्निकल है, धीरे धीरे जाता हूँ आगे की तरफ। और सिंचन और चौप, तुम लोग के लिए मैंने सारा का सारा रास्ता क्लियर कर लिया है। रास्ता तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन हम लोग की बारी कब आएगी यार? मुझे तो लगता है कि अभी मैं पूरा का पूरा मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज एक ही गो में क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया हूँ। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी मोटर बाइक पर। रास्ता आप लोग देख सकते हो कि यार गाइस कितना ही ज्यादा मुश्किल है, और इसलिए अभी ज्यादा स्लो भी नहीं जाएंगे हम लोग, ज्यादा तेज भी नहीं जाएंगे। यहाँ से मैंने इसको टर्न करना है। मोटर बाइक मेरी अच्छी है यार गाइस, काफी ज्यादा साथ दे रही है मेरा, लेकिन किसी भी समय साथ छोड़ भी सकती है। मुझे तो लगता है कि ये रास्ता आपसे कभी नहीं क्लियर होगा, आप गिव अप करो यार। पागल हो गया, जॉब गिव अप तो मैं कभी भी नहीं करने वाला हूँ। इतने दिनों के बाद इतना ज्यादा अच्छा चैलेंज मुझे मिला है, इसको तो मैं क्लियर करूंगा। वैसे नॉर्मली जो हम लोग रैंप्स को क्लियर करते हैं यार गाइस, वो भी अच्छे होते हैं, बट ये जो मुश्किल वाले रास्ते होते हैं ना, ये कुछ ज्यादा ही ओपी होते हैं। अभी सामने की तरफ एक जंप है और मुझे पता है कि ये जंप तो मैं इजीली लगाने वाला हूँ। एक मिनट यार गाइस, ये किस तरह का ट्रैप था? लेकिन यार हमें तो हम लोग को भी बताओ कि हम लोग इसको किस तरह क्लियर करेंगे। सिंचन, इस रास्ते को क्लियर करने की एक टेक्निक है, मैं तुझे अभी बताता हूँ। देख, तूने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और फिर आगे जाके तूने लेफ्ट हो जाना है। जैसे ही तू लेफ्ट होगा ना, तुझसे ये वाला रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो फिर यार हमें तो इसका मतलब ये कि मैं पूरा का पूरा पार्कोर क्लियर कर सकता हूँ। करने को तो कर सकता है सिंचन, और किस्मत तेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन सिंचन ने जंप बहुत ज्यादा ओपी लगाई थी यार। हाँ चौप, जंप इसने अच्छी लगाई थी, लेकिन मोटर बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं मोटर बाइक को बहुत ज्यादा ओपी कंट्रोल कर सकता हूँ यार। वो तो मैंने देख लिया है चौप, तू मोटर बाइक को कितना ओपी कंट्रोल कर सकता है। चैलेंज तो वाकई में इसने बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया है। काम करते हैं कि इस चीज को हम लोग नीचे की तरफ फेंकते हैं, और अभी मुझे फोकस करना है सामने की तरफ। अभी तक तो ये रास्ता मुझे इजी लग रहा है, लेकिन किसी भी समय ये मुश्किल हो सकता है। बड़े वाले वुडन लॉग को भी नीचे फेंकेंगे, और किसी चीज के साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आगे पहुंच गया हूं ना, अभी मैं हारना नहीं चाहता हूं। रास्ता तो बहुत ही ज्यादा पतला है, अभी इस रास्ते से मोटर बाइक को निकलना तो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। एक मिनट, बस मुझे अपने एंगल को ठीक करना है। नहीं यार गाइस, मुझे लगता है कि मोटर बाइक जाएगी नीचे की तरफ। रास्ता काफी ज्यादा स्टीप है, और मुझे पता नहीं है कि आगे की तरफ जंप लगानी है या फिर क्या करना है। अगर तो जंप लगानी हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर जंप नहीं लगानी हुई तो फिर काम हो जाएगा। यार गाइस कितना मुश्किल बना के रखा है इसने, बट फाइनली मैंने क्लियर कर लिया। तो फिर इसका मतलब यह है कि अभी मैं सीधा जाऊंगा एंड पे। यार गाइस ये क्या ट्रैप था? अरे यार हमें तो हम लोग से अभी तक ये रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। सिंचन, टेक्निक तुम लोग को मैंने बता दी है और फिर भी तुम लोग से क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर मैं क्या करूं? इतना मुश्किल रास्ता बना के दे दिया इसने, ये रैंप कुछ ज्यादा ही खतरनाक है यार। खतरनाक तो है चौब, ये तो मैंने देख लिया, चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तो तुम मोटर बाइक को सही से कंट्रोल करोगे तो फिर तुम लोग जीत सकते हो, लेकिन तुम लोग के बस की बात है ही नहीं, क्योंकि मैं कब से तुम लोग को देख रहा हूँ, तुम लोग एक ही गलती बार बार कर रहे हो। मुझे बताओ हम लोग कौन सी गलती कर रहे हैं यार? मैंने तुम लोग को बोला है कि यहाँ से स्ट्रेट जाओ, उसके बाद मोटर बाइक को टर्न करो। ये देखो यार गाइस, चौप ने कर लिया। तो फिर यार हमें तो अब मैं क्या करूंगा? सिंचन, अभी तू एक काम करके पीछे खड़े होकर देखता रहे, क्योंकि चौप अभी आगे पहुंच गया है। मुझे लगता है कि कंपटीशन चौप का और मेरा होगा, लेकिन आपके साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं। आपको पता है कि मैं आपसे ओपी खेलता हूँ यार। ठीक है चौप, वो तो देख लेते हैं कि कौन किससे ज्यादा अच्छा खेलता है। मोटर बाइक तेरे पास अच्छी है, टेक्निक तुझे मैंने बताई है। मेरी टेक्निक को यूज करके चौप मुझे हराने की बातें कर रहा है। मुझे पता है कि यार गाइस ये पक्का नीचे गिरेगा। ऐसे कैसे नीचे गिरूंगा, मैं भी बहुत एक्सपर्ट हूँ यार। देख लेते हैं अभी हम लोग के चौप कितना ज्यादा एक्सपर्ट है। मोटर बाइक को तो कंट्रोल कर रहा है, और वैसे चौप को मोटर बाइक अच्छी चलाने आती है, सिंचन ज्यादा अच्छी नहीं चलाता। लेकिन यार हमें तो मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, कभी भी नहीं जीतेगा सिंचन। ये देख चौप गया नीचे, और इसीलिए अभी मुझे एक और मौका मिल चुका है। हल्का सा इसको टच करूंगा यार गाइस, ये मेरी मोटर बाइक को टेढ़ा कर देता है। थोड़ा सा अभी हम लोग आगे जाके चेक करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं पूरा का पूरा रैंप एक ही गो में क्लियर करूं, तो फिर उसके लिए मुझे फोकस तो चाहिए होगा। अभी ये रास्ता देखो कितना ज्यादा अजीब सा बना के रखा है इसने, लेकिन मैं ज्यादा तेज नहीं
जाऊंगा। अगर तो इस रास्ते से मैंने हल्की सी भी स्पीड पकड़ी तो फिर उसके बाद मैं हार सकता हूँ। इस वाले वुडन लॉक को भी हम लोग हल्का सा टच करेंगे। मेरी मोटरबाइक की व्हील उड़ गई थी बट मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है। अभी सामने की तरफ एक जंप है और जंप को लगाने के लिए तो भाई साहब स्पीड पकड़नी पड़ेगी हम लोग को। पता नहीं अभी मेरी ब्रेक लगेगी या फिर नहीं, लेकिन ब्रेक मैंने लगा ली है। अभी सिंचन और चॉप के लिए थोड़ा सा रास्ता मुश्किल कर देता हूँ यार गाइस। ये वाले वुडन लॉग्स नीचे की तरफ जाएंगे और अभी सिंचन और चॉप जैसे ही जंप करेंगे इन लोग से ब्रेक लगेगी नहीं। मुझे पता है कि आप हम लोग के लिए ट्रैप बना रहे हो यार। ट्रैप बना भी रहा हूँ और तुम लोग के लिए ट्रैप क्लियर भी कर रहा हूँ यार गाइस। नीचे गिर गया लेकिन मोटरबाइक भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ। किस्मत अभी हम लोग का साथ दे रही है, इसका मतलब यह है कि मैं जीत सकता हूँ यार गाइस। मोटरबाइक को थोड़ा सा पीछे करेंगे और रास्ता तो लिटरली में कुछ ज्यादा ही टेक्निकल है। इतना ज्यादा खतरनाक पार्क और हम लोगों ने पहले क्लियर नहीं किया। बट यार गाइस सामने की तरफ आग जल रही है। अभी ये आग वाला रास्ता भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक मिनट, ये किस तरह का वुडन लॉक था यार गाइस? मेरी मोटरबाइक को साथ में लेके जा रहा था। अभी ये फट क्यों नहीं रहे हैं? अबे एक मिनट, फटने वाले हैं यार गाइस। मुझे लगा था कि ये फटेंगे नहीं लेकिन ये फट रहे हैं। और अभी यहाँ पर आग लगी हुई है। आग के अंदर जाऊंगा तो मोटरबाइक जलने के चांसेस हैं, इसलिए जो भी करना होगा मुझे जल्दी करना होगा। एक प्लान है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे फोड़ देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से नीचे फेंक देता हूँ यार गाइस। टेक्निक्स हम लोग के पास काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। अभी धीरे धीरे जाऊंगा आगे की तरफ। आग काफी ज्यादा लग रही है, जल गया। इतनी ज्यादा हीट लगी है कि आप लोग को क्या ही बताऊं। बट यार गाइस मैं जिंदा हूँ और अब अगर मैं जिंदा हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि पार्कोर तो पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूँ। है तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेकिन पता नहीं खत्म कब होगा। जितनी स्पीड से तुम जा रहे हो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पार्कोर क्लियर करोगे। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं पूरा का पूरा पार्कोर क्लियर करूंगा यार गाइस। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के रखा है इसने और बीच में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा जंगल ही बना दिया है इसने। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा तेज जाऊं। तेज जाना भी रिस्की है, स्लो जाना भी रिस्की है, बट अभी तेज जाऊंगा। हाँ यार गाइस पता नहीं मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ से तेज जाऊं और मुश्किल है, मुझे पता है कि काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब अगर दिल कर रहा है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेट्स गो। काफी ज्यादा आगे पहुंच गया और ये देखो सारे के सारे वुडन लॉग्स भी गए नीचे और मुझे अभी यहाँ से जंप लगानी है। मैं बच गया हूँ और गाड़ियां मिल गई हम लोग को। मोटरबाइक वाला रास्ता तुमने बहुत ही जल्दी क्लियर कर लिया, ये तो अभी हम लोग का एक्सपीरियंस है ना। मोटरबाइक तो मैं तेज ही चलाता हूँ लेकिन गाड़ी में उठाने वाला हूँ ये रेड वाली, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मोटरबाइक वाला पार्कोर तो बहुत मुश्किल था लेकिन गाड़ी वाला उससे भी ज्यादा मुश्किल है। देख लेंगे, गाड़ी वाले को भी देख लेंगे, लेकिन ये रास्ता बर्फ वाला है और सामने की तरफ क्या चीज है। एक मिनट पहले देख लेते हैं, सामने की तरफ एक और जंप है यार गाइस। ये तो मैं इजीली लगा सकता हूँ, मुझे लगता है कि आप ये जंप नहीं लगा पाओगे यार। एक मिनट रुक जा चॉप, अभी बताता हूँ तुझे कि ये जंप मैं लगा पाऊंगा या फिर नहीं। सामने की तरफ मुझे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है यार गाइस, मैंने बस अपनी गाड़ी को वहां पे लेके जाना है। लेट्स गो। जंप काफी ज्यादा अच्छी लगा ये और गाड़ी मेरी यहाँ पे रुक गई। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा बट यार गाइस मैं बच गया हूँ। अभी इन चीजों को हम लोग नीचे फेंकते हैं और फिर जाके देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से आगे क्या करना है। मोटरबाइक वाला रास्ता तो मुश्किल था लेकिन गाड़ी वाला लगता है कि उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तुमने बिल्कुल ठीक बोला अमिटी, गाड़ी वाला रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो तो मुझे दिख ही रहा है, हम लोग की गाड़ी यहाँ से ऊपर ही नहीं जा पा रही। पता नहीं क्या चीज इसने हम लोग को दे दी है। गाड़ी के अंदर ज्यादा पावर्स तो है नहीं लेकिन अभी मैं इसी को लेके जाऊंगा। सामने की तरफ एक जंप है, गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे और अपनी पुरानी वाली टेक्निक को यहाँ पे अभी हम लोग यूज करने वाले हैं यार गाइस। बर्न आउट मार के जाऊंगा ऊपर की तरफ। लेकिन यार हमें आप नीचे कब गिरोगे? ये तो मुझे भी नहीं पता कि सिंचन में नीचे कब गिरूंगा और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं नीचे गिरूंगा भी या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैं बहुत ज्यादा ओपी खेल रहा हूँ और मेरी गाड़ी भी फाइनली आ चुकी है ऊपर की तरफ। ये क्या चीज है? काफी ज्यादा आग लगी हुई है। आग के बीच में से हम लोग अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं और रोड बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है। एक मिनट, रोड के आगे तो फुटबॉल भी है। रास्ता कितना ओपी है, मैंने भी खेलना यार। अभी जब तेरी बारी आएगी तो फिर चौप तू तभी खेल पाएगा ना रास्ता। वैसे वाकई में यार गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स गो। गोल कर दिया मैंने लेकिन लगता है कि कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया यार गाइस। सारी की सारी जगह पे आग लगी हुई है और मेरी गाड़ी अभी तक सेफ है लेकिन कब तक रहेगी इस बात का हम लोग को पता नहीं है, इसलिए फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। ये क्या चीज है? ये तो यार गाइस बड़े वाले लैंडमाइंस होते हैं ना, लेकिन ये भी बाउंस कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी सामने की तरफ। पता नहीं क्या चीज है, अबे बच गया। पता नहीं कैसे बचा बट यार गाइस मैं बच गया हूँ। ये एक ट्रैप था जो कि मैंने देखा ही नहीं। वैसे काफी ज्यादा लकी हो तुम, लगता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स की पावर्स हैं तुम्हारे साथ। हां ना, मेरे देखने वालों ने वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसीलिए तो मैं इतना ज्यादा ओपी खेल रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ से राइट साइड पे किस तरह जाऊंगा? अभी ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। ठीक है, मैंने पता लगा लिया कि मैंने किस तरह जाना है और सामने की तरफ 360 लूप है। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाड़ी से यार गाइस। मोटरबाइक से तो ये हम लोग से क्लियर होता ही नहीं है। और गाड़ी से तो मैं कर लूंगा, गाड़ी
को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नहीं हुआ। तुमने बिल्कुल ठीक बोला, नहीं हुआ दोबारा ट्राई करो। ठीक है अब की बारी गाड़ी को पीछे से भगा के लेकर आऊंगा ना, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। इतना ज्यादा अच्छा रैंप है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे गाड़ी भगाऊं यार। दिल तो हर किसी का करता है चॉप, लेकिन वो क्या है ना कि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मैं हारूंगा भी नहीं, पूरा का पूरा पार्कोर क्लियर करूंगा। हाँ यार गाइस, मैंने सोच लिया है कि मैं पूरा का पूरा पार्कोर क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन लगता है कि नहीं भाई साहब, यहाँ पे गिर गया नीचे। लेकिन यार हमें मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ज्यादा पीछे रह गया हूँ। सिंचन टेक्निक तुझे मैंने बताई है, पता नहीं तू क्या कर रहा है, तुझे एक और मौका मिल गया है। लेकिन यार हमें पता नहीं क्यों टेक्निक तो काम नहीं कर रही। करेगी सिंचन टेक्निक काम करेगी। देख यहाँ से तूने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और फिर जैसे ही तेरी मोटर बाइक हवा में आएगी तूने जाना है लेफ्ट साइड पे। देखते हैं कि सिंचन अब की बारी तो कर लेगा। यार गाइस होना चाहिए और लगता है कि हो गया। देख ले सिंचन, मैंने तुझे टेक्निक बता दी, अभी तुझे एंड पे आना होगा। लेकिन यार हमें रास्ता कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रास्ता बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ में खतरनाक भी है। लेकिन जितनी स्पीड से तू आ रहा है ना, मुझे लगता नहीं है कि तू एंड पे पहुंचेगा, लेकिन होने को हो भी सकता है। यार गाइस कंट्रोल सिंचन का भी अच्छा है, लेकिन चॉप मोटर बाइक बहुत ज्यादा ओपी चलाता है। अभी आप क्या सिंचन को मेरे साथ कंपेयर करोगे क्या यार? नहीं तेरे साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तू मोटर बाइक अच्छी चलाता है सिंचन से, लेकिन सिंचन भी काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा है। मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा। यार गाइस मैं तो बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया हूँ और मुझे पता है कि अभी एक दफा अगर मेरी बारी आ गई ना, उसके बाद मैं पूरा का पूरा पार्कोर क्लियर करूंगा। सिंचन मुझे टक्कर मारा, इसको बोलोगे टक्कर मत मारे यार। तूने भी तो मोटर बाइक बीच में खड़ी कर दी है चॉप, पता नहीं तू क्या ही कर रहा है, तेरी वजह से सिंचन नीचे गिरा है। अब अगर मैं यहाँ पे गिरा हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है यार? तेरी गलती ये है कि जब सिंचन आ रहा था तो फिर तुझे मोटर बाइक को थोड़ा सा साइड पे करना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि सिंचन इतना ज्यादा आगे पहुंच जाएगा यार। अरे यार हमें तो ये सब कुछ चॉप की वजह से हुआ है। हाँ मुझे पता है सिंचन, तू बहुत ज्यादा ओपी खेल रहा था और अगर चॉप की मोटर बाइक नहीं होती तो फिर तू आगे पहुंच जाता। ऐसे कैसे आगे पहुंच जाता, चॉप के होते हुए कोई भी नहीं जीत पाएगा यार। अच्छा तुझे लगता है कि चॉप तू बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ यार। ठीक है वो तो अभी हम लोग देख लेंगे, ये तो सारे के सारे आसान रास्ते हैं। चॉप देखता हूँ कि तू अभी क्या करता है। अगर तो तूने ये वाला रास्ता भी क्लियर कर लिया उसके बाद मैं समझूंगा कि हाँ वाकई में मैंने किसी को चैलेंज किया है। ठीक है तो बस फिर अभी आप देखते जाओ कि यहाँ पे होता क्या यार। ठीक है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। अभी तक तो तुझसे मोटर बाइक कंट्रोल ही नहीं हो रही है, मगर एक मिनट धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। बट यार गाइस अब ये कितना ही कंट्रोल कर लेगा, इसको रास्ता बहुत ही ज्यादा पतला है और चॉप वुडन लॉक के ऊपर पहुंच गया है। देखते हैं कि अभी क्या करता है। सामने की तरफ एक जंप है चॉप। मुझे पता है सामने की तरफ जंप है और आपने मेरे लिए ट्रैप बना के रखा है, लेकिन मैं आपके ट्रैप में फंसूंगा नहीं यार। पता नहीं यार गाइस ये इतना ज्यादा अच्छा एकदम से कैसे खेल रहा है, गया नीचे, फाइनली ये गया नीचे। बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है तूने चॉप, अभी बस तू देखता जाके यहाँ पे होता क्या है। मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होगा, मैं जीत जाऊंगा यार। ऐसे कैसे जीत जाएगा, इतनी मुश्किल से मेरी बारी दोबारा से आई है। मुझे लगा था कि चॉप कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन चॉप के बस की बात नहीं है, मुझे अभी अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है। यार गाइस गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल कर लिया तो फिर उसके बाद हो सकता है कि मैं जीत जाऊं। अभी तक तो बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा हूँ, लेकिन जंप नहीं लगी। पता नहीं यार गाइस ये जंप मुझसे क्यों नहीं लग रही है। नहीं लगेगी आमेटी, बहुत ज्यादा टेक्निकल रास्ता है वो तो मुझे पता है। अब तुमने मुझे गाड़ी इतनी स्लो दी है तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। गाड़ी तो वैसे मेरे ख्याल से ठीक है, क्या घंटा ठीक है, इतनी स्लो गाड़ी दी है तुमने, ये चलती नहीं है। तो फिर यार हमें तो अब क्या करोगे। सिंचन टर्बो भी तो नहीं है ना इसके अंदर, नहीं तो टर्बो निकाल के एक सेकंड में क्लियर कर लेता। अभी मेरे पास एक टेक्निक है तो सही, पता नहीं मेरी टेक्निक काम करेगी या फिर नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी टेक्निक यहाँ पे काम कर जाए। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना है और बस यहाँ पे मैंने ब्रेक लगानी है, गाड़ी को सीधा करूंगा। रुक जाओ, रुक गई गाड़ी, मेरी रुक गई है और अभी मेरा प्लान काम करेगा। मेरा प्लान ये है कि मैंने यहाँ से जाना है रिवर्स साइड पे। कभी भी नहीं होगा, मुझे पता है कि आप क्या करने का सोच रहे हो यार। चॉप ये मेरी पुरानी टेक्निक है, बस तू देख के यहाँ पे अभी मैं करता क्या हूँ। अबे यार गाइस रुकी क्यों नहीं, इतनी मुश्किल से प्लान बनाता हूँ और फिर पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाता है। मुझे तो लगता है कि इस गाड़ी के साथ कोई मसला है, इतना ज्यादा आगे पहुंच गया हूँ। अभी मैं हारना नहीं चाहता हूँ यार गाइस, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा का पूरा पार्कोर क्लियर करूँ। वैसे तुमने 80% क्लियर कर लिया है। 80% नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए 100%, जो कि मुझे लगता है कि अभी हो जाएगा। गाड़ी तो अच्छी है तो फिर यार गाइस ये हो क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे आके रुक जाती है। पता नहीं गाड़ी के साथ क्या ही मसले हो रहे हैं, लेकिन लगता है कि हो गया फाइनली। यार गाइस क्लियर हो गया, अभी मैं जाऊंगा आगे की तरफ। वैसे कंट्रोल है तुम्हारा क्या, घंटा कंट्रोल है? पता नहीं कैसे हो गया, खुद ब खुद ही हो गया। लेकिन अभी मैंने जाना है यहाँ से आगे की तरफ। सामने की तरफ तो मुझे यहाँ पे बर्गर्स दिखाई दे रहे हैं। एक काम करते हैं ना कि पहले देख लेते हैं कि आगे है क्या चीज। मेरे ख्याल से कोई ट्रैप होगा और हाँ यार गाइस ये एक ट्रैप है। इस वाले ट्रैप को क्लियर करने के लिए मुझे यहाँ से जाना है राइट साइड पे। बर्गर्स कितने ज्यादा एकदम से मेरे आगे आ गए, मगर ये डायमंड अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा। अच्छा मैं समझ गया यार गाइस, ये एक कोर ट्रैप है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा
ईजी है, मैंने यहाँ से ब्रेक लगानी है। सामने की तरफ बर्गर्स भी जा रहे हैं, काम करता हूँ कि इस वाले बर्गर को टच करता हूँ। ये गया नीचे की तरफ, बल्कि नहीं यार गाइस, ये बर्गर मुझसे रेस लगा रहा है कहाँ तक पहुंचा है, बल्कि नहीं नीचे गिर गया है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ से स्पीड पकड़ के जाऊँ, लेकिन अगर ज्यादा स्पीड पकड़ी तो फिर ब्रेक नहीं लगेगी हमसे। अभी तक तुमने बहुत ज्यादा अच्छा खेला है, ये बोट वाला रास्ता लास्ट है। फाइनली यार गाइस मैं बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया हूँ। देखो सिंचना चौप, तुम लोग को चांस मिला था। पता है हम लोग को चांस मिला था, लेकिन हम लोग का चांस किसी काम का नहीं था यार। तुम लोगों ने अपने चांस को सही से यूज ही नहीं किया ना, सारी की सारी गलती तुम लोग की यही है। लेकिन अभी मुझे जेट स्की को कंट्रोल करना है, काफी ज्यादा तेज है। टर्बो है क्या इसके अंदर? नहीं, मेरी जेट स्की के अंदर टर्बो नहीं होता। चलो ठीक है, टर्बो के बगैर भी हम लोग कर सकते हैं यार गाइस। वैसे ये वाला मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज दिखने में कितना ज्यादा अच्छा था ना, और इसके बीच में ऑब्स्टेकल्स भी काफी ज्यादा फनी थे और काफी ज्यादा मजा भी आया क्लियर करके। अभी बस जाके देखता हूँ कि प्राइज हम लोग को कौन सा मिलता है। अबे यार गाइस मार दिया, बच गया हूँ। अगर तू जेट स्की से नीचे गिर जाता ना, फिर उसके बाद काम हो जाता मेरा। यहाँ पर ये वाले विंड टर्बाइन्स भी हैं, जो कि मैंने क्लियर कर लिए लेकिन जंप नहीं लगा पाया। तो फिर यार हमिद अब आप क्या करोगे? अभी सिंचन में वापस से ट्राई करूंगा जंप को लगाने की। संभल की अगर ट्रैक से बाहर निकल गए तो फिर उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये वाले सारे के सारे रूल्स मुझे अच्छे से पता है, लेकिन ये विंड टर्बाइन्स कुछ ज्यादा ही लगा के रख दिए इसने। थोड़ा सा यहाँ से राइट जाएंगे हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। यहाँ पे अभी मैंने ब्रेक लगानी है। रास्ता वैसे कुछ ज्यादा ही खतरनाक बना दिया है इसने। पता नहीं यार गाइस जेट्स की जंप कर पाएगी भी या फिर नहीं। मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये रास्ता आपसे कभी भी क्लियर नहीं होगा यार। वो तो हम लोग देख लेंगे चौप, ये रास्ता मुझसे क्लियर होता है या फिर नहीं, और जंप दोबारा नहीं लगी। ये किस तरह का ट्रैप है यार गाइस? लगता है कि दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। जेट्स की को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि तुम जेट्स की को नहीं चला सकते हो। जेट्स की के अंदर टर्बो भी तो दो ना, जंप देखो कितनी ज्यादा बड़ी दे दी है तुमने, और जेट्स की के अंदर टर्बो भी नहीं दे के रखा इसने यार गाइस। जेट्स की को मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मुश्किल लग रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा यार गाइस। पता नहीं मुश्किल क्यों हो रहा है इतना, क्योंकि हमें तो बीच में बहुत ज्यादा विंड टर्बाइन्स हैं। विंड टर्बाइन्स तो हैं सिंचन, लेकिन मसला ये है ना कि जेट स्की के अंदर टर्बो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब की बारी तो यार गाइस मैं करके रहूंगा। काफी ज्यादा स्पीड से जा रहा हूं और बोट तो कंट्रोल ही नहीं हुई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है यार गाइस? पीछे फिनिश पॉइंट है और मुझसे ये जंप नहीं लग रही। मुझे तो लगता है कि आप नीचे जाओगे यार। पता नहीं चौप नीचे जाऊंगा या फिर मेरे साथ क्या होगा। अभी तक तो मैं सही खेल रहा हूँ, किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ पे बच गया हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि मैं नीचे गिरूंगा। अरे यार हमिद, अगर आप ट्रैक से बाहर निकल जाते तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते। हाँ ना सिंचन, देख मैं ट्रैक से बाहर भी तो नहीं जा रहा हूँ। विंड टर्बाइन अभी तक मुझे टच नहीं हुआ, लेकिन अगर ये मुझे टच हो गया और मैं ट्रैक से बाहर निकल गया उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इतने ज्यादा लकी कैसे हो। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लगता है कि अभी हो गया। मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट मैंने कर लिया। अभी देखते हैं कि प्राइस तो यार गाइस कुछ ज्यादा ही ओपी है। अरे यार हमिद, ये वाली कौन सी गाड़ी है? पता नहीं सिंचन, गाड़ी तो पूरी की पूरी डायमंड की है, लेकिन रेड कलर की स्ट्रिप्स भी हैं इसके अंदर। ये वाली गाड़ी मैंने पहले भी देखी है। अरे जो तुमने पहले गाड़ी देखी है ना, वो नॉर्मल गाड़ी है, ये पूरी की पूरी डायमंड की है। और इसके पीछे ये देखो एक्सटेंडेड बॉडी किट्स भी लगी हुई है। हाँ बॉडी किट्स भी है, टायर्स भी इसके चेंज है, और फ्रंट पे भी बॉडी किट लगी हुई है। अच्छी लग रही है यार गाइस, रेड भी है, ब्लू भी है, डायमंड भी है, तीन तीन कलर्स का कॉम्बो है। पीछे तुम्हारी गोल्ड की ट्रॉफी भी पड़ी है, ये भी ले जाना। सिंचन और चौप, ये गोल्ड की ट्रॉफी तुम लोग अपने पास रख लो, मैं तब तक गाड़ी को लॉस सैंटोस लेके जाता हूँ। दिखने में तो ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और चलने में तो उससे भी ज्यादा अच्छी है, पूरी की पूरी डायमंड की भी है यार गाइस। अगर आप लोगों को भी आज का मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज और ये वाला प्राइस ओपी लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और मेगा रैंप पार्कोर चैलेंज के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।